Hello friend, Assalamu Alaikum. My name is Abdul Malik. Hope you all will be fine. Today we will study about software and hardware. There is slides up idea about software and hardware. अब हमारे पास software क्या होता है? Software होता है set of instructions. Set of instructions मतलब एक instruction भी हो सकती है, एक ज़्यादा भी हो सकती है. Instructions किसको दी जाती है? Computer को. दूसरे लफ्जों में हम इसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम भी कहते हैं. सिंपल हमारे पास क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम क्या कहते हैं कंप्यूटर को देते हैं, वो हमारे पास क्या होता है? प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है. अब कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर. अब ये दोनों क्या है? ये हमारे कंप्यूटर के मेन या इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बगैर हमारा कंप्यूटर क्या है? बेकार है. अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर बेकार, अगर हार्डवेयर नहीं है तो भी हमारा कंप्यूटर बेकार. अब इन दोनों दरमियान रिलेशनशिप क्या है? अब रिलेशनशिप ये है कि जैसे हमारे पास क्या है? हमारा बॉडी या हमारे क्या है उसके अंदर रूह. अगर हम रूह निकालें तो हमारी बॉडी क्या है? बेकार है. और सेम इसी तरह हम बॉडी निकालें तो हमारी रूह क्या है? बेकार है. मतलब एकदम एक डिपेंड करते हैं. तो सेम इसी तरह जो हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है वो भी बिल्कुल ऐसे हैं. अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर भी काम करेगा या फायदेमंद है. अदरवाइज अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर भी क्या है? बेकार है. और अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा है और हार्डवेयर हमारे पास नहीं है तो भी क्या है? हमारे पास हमारा कंप्यूटर बेकार है. मतलब ये हमारे पास क्या है? ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कंप्यूटर में होना लाजमी है. अब ये क्या है? इसके अंदर कुछ डिफरेंस है सॉफ्टवेयर में और किस में? हार्डवेयर में. अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम क्या किसको देते हैं? कंप्यूटर को देते हैं. और जो हमारे पास क्या होता है? हार्डवेयर होता है, वो फिजिकल पार्ट होता है किसका? कंप्यूटर का. और जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो डिपेंड करता है हार्डवेयर पे. और अगर हमारा हार्डवेयर है और जो हमारा हार्डवेयर है वो किस पे डिपेंड करता है? सॉफ्टवेयर पे. अब इसकी एग्जांपल ऐसे देते हैं, जैसे हमारे पास सपोज आपका कंप्यूटर में रैम खराब हो गया तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलता. ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये हर किसी के साथ प्रॉब्लम होता है. तो क्या होता है? वो अलार्म बजाता है कंप्यूटर, रेड बत्ती सी बनती है या रेड लाइट जलती है हमारे कंप्यूटर की. तो वो क्या शो करता है कि हमारे पास क्या है? हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, तो उसके बगैर हमारा कंप्यूटर नहीं चलता. और अगर हमारे पास हार्डवेयर है और उसके अंदर विंडो नहीं है तो भी हमारे पास क्या है? हमारा कंप्यूटर बेकार. हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते लेकिन क्या है? हार्डवेयर जो है उसको हम टच भी कर सकते हैं. अगर हमारे सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम क्या करते हैं? उसको सिंपल डीबग करते हैं, मतलब उसको कोशिश करते हैं उसको सॉल्व करने की. और अगर हार्डवेयर में आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं? रिपेयर करने की कोशिश करते हैं. अगर हमारे पास ये दोनों ही सॉल्व नहीं होते तो हम सिंपल क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर उसको दोबारा से इंस्टॉल कर देते हैं. तो हमारे पास क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर फिर से रन होना स्टार्ट हो जाता है. बट जो हमारा हार्डवेयर है अगर वो ख़राब हो गया तो हम उसको रिप्लेस नहीं करेंगे बल्कि रिप्लेस करेंगे उसकी जगह हम न्यू हार्डवेयर ले आएंगे. सपोज हमारे क्या है? कंप्यूटर का माउस ख़राब है तो हम क्या करेंगे? माउस को रिपेयर करेंगे. माउस रिपेयर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? एक और न्यू माउस ले आएंगे. ऐसा नहीं होगा कि इसको अनइंस्टॉल करेंगे फिर से, नहीं. ये ऑप्शन जस्ट किस में है? सॉफ्टवेयर में. हार्डवेयर को क्या करने का? पूरा का पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा. ये था हमारा थोड़ा सा रिलेशनशिप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और उनके दरमियान कुछ डिफरेंस. और इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं. बट होप यू लाइक माई वीडियोज़. थैंक यू.